एनएसयूआई की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल हुए। जोधपुर गैंग रेप में एबीवीपी के लोगों ने के नाम आने की घटना के विरोध में यह मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी पर प्रतिबंध लगाने और दोषियों को फांसी देने की मांग की। राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए एनएसयूआई के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को राजभवन भी भेजा गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का और प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति जो आज इस मार्च से जुड़ी, उनका ये शांतिपूर्ण मार्च शहीद स्मारक तक पहुंचा है। पुलिस प्रशासन के आग्रह पर हमने हमारा प्रतिनिधि मंडल राजभवन भेजा है। हमारा प्रतिनिधि मंडल आदरणीय कुलाधिपति महोदय से, आदरणीय राज्यपाल महोदय से ये मांग करने गया है कि विद्यार्थी परिषद की इस कुत्सित और दूषित विचारधारा के लोग प्रदेश के शिक्षा के मंदिरों को दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, प्रदेश की छात्र शक्ति की गरिमा का हनन कर रहे हैं, राजभवन के नाम पर शिक्षण संस्थानों में गुंडागर्दी कर रहे हैं, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, शिक्षक विरोधी माहौल इन्होंने शिक्षण संस्थानों में बना कर रखा है। हम कुलाधिपति महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने निर्देशन में एक कमेटी का गठन कीजिए, आप खुद जांच करवा। एबीवीपी पर बैन लगाने और इसके साथ ही महिला सम्मान को लेकर आज एनएसयूआई ने एक जो रैली है वो निकाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये रैली चालू हुई है जो कि शहीद स्मारक पर जाकर खत्म होगी और राज्यपाल को जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा एबीवीपी पर बैन लगाने के लिए। हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से आज आप रैली निकाल रहे हैं, क्या आपकी मांगें जानना चाहेंगे? देखिए, तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी के सानिध्य में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो विश्वविद्यालयों में यौन शोषण के, उत्पीड़न के, रेप जैसी घटनाओं को एक रूप देता है और उसके कार्यकर्ता कैंपेन के बहाने लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और रेप करते हैं। उन कार्यकर्ताओं को हम सजा दिलाने के लिए आज राजभवन का घेराव कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा दी जाए और ऐसे संगठन को भी बंद किया जाए, क्योंकि ऐसे संगठन हमेशा ही महिलाओं का शोषण करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये तो कहने की बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका काम है कि यौन उत्पीड़न कराओ और फिर हम बेटी को आगे बढ़ाओ। तो ऐसे संगठन को हम मानते हैं कि छात्र राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, इस संगठन को बंद किया जाए और कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं। किस तरह से आज आपका पूरा पैदल मार्च क्या रहेगा इसके अंदर? पूरा ज्ञानशील एकता की बात करने वाला एक ऐसा फर्जी संगठन, एक ऐसा अश्लील संगठन जो छात्र छात्राओं की मदद के नाम पर उनकी अस्मिता के साथ में खेलता है, जैसे वो जेएनयू की बात हो उसको मदद करने के नाम पर उस नाबालिग के साथ में गैंगरेप करता है, असोप का मामला हो तो उसके अंदर ये छात्र संगठन टिकट के नाम पर अस्मिता मांगता है। ऐसे छात्र संगठन को हम आह्वान करना चाहते हैं राज्यपाल जी से, अभिषेक चौधरी जी के नेतृत्व में हम आज ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि इस तरीके के छात्र संगठन को बैन करना चाहिए और इन फ्यूचर अगर ऐसी घटनाएँ बनती है, किस तरीके से बीजेपी संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाम पर एक एजेंडा बनाती है बलात्कार का, ये एजेंडे को अंजाम देने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। ये प्रदेश के अंदर माहौल खराब करते हैं, हम मुखालफत करते हैं ऐसे छात्र संगठन की जो बहन बेटियों की अस्मिता के साथ में खेलता है, ये शिक्षकों के साथ में अत्याचार करता है, ये शिक्षकों के साथ में गलत की बात करता है। हम ऐसे छात्र संगठन को ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, एक ऐसी कमेटी का निर्माण किया जाए जिस कमेटी के अंदर ये देखा जाए कि किस छात्र संगठन के सबसे ज़्यादा ऐसे रेपिस्ट केस आते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप रैली निकाल रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों दो हमारे सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये जो केस सामने आए हैं, आज अभिषेक चौधरी जी के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय में सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा राजभवन का घेराव किया जा रहा है। यह घेराव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए है, यह घेराव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुंठित विचारधारा के लोगों के लिए है जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देकर विश्वविद्यालय में माहौल खराब करते हैं। हम राजभवन में राज्यपाल से निवेदन करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन को पूर्णतया बैन करें। ना ये शिक्षकों का सम्मान करते हैं, ना ये प्रशासन का सम्मान करते हैं, ना ये सरकार का सम्मान करते हैं, इनका किसी का सम्मान नहीं है, इनका सिर्फ विचारधारा, हमारी विचारधारा की लड़ाई संगठन से नहीं लेकिन संगठन को बैन किया जाए, यही छात्रों के हित में है। देखा आपने जो एनएसयूआई है उनकी पूरी मांग है कि एबीवीपी पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए और आज ये राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे और एबीवीपी पर जो बैन लगाने की मांग है वो यहाँ पे की जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर।